to let go of all of the nonsense. उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए रिमाइंडर है जो स्नैपचैट स्पॉटलाइट पे जब भी वीडियो अपलोड करते हैं वो कॉपीराइट सॉन्ग यूज करते हैं। कोई टी सीरीज कंपनी का या इसके अलावा जो भी कंपनी है जिनके सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग में होते हैं आप वो यूज करते हैं। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बना के रिमाइंडर दिया था, आज फिर दे रही हूँ। इसी कॉपीराइट की वजह से कल ही एक जो इंडियन क्रिएटर है उनका प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, सोनल अग्रवाल। इन्होंने भी स्टार्ट ही लिया था कॉपीराइट सॉन्ग बहुत ज्यादा यूज किए। इनके पास डेली एक रिमाइंडर आता था कॉपीराइट का, लेकिन वो इस चीज को समझ ना सकी और फाइनली उनका अकाउंट स्नैपचैट ने टर्मिनेट कर दिया है। कॉपीराइट की वजह से स्नैपचैट जब भी आपका अकाउंट टर्मिनेट करेगा आपको कभी भी ईमेल सेंड नहीं करेगा और आपका अकाउंट इस तरह से डीएक्टिवेट आपको शो करेगा जब भी आप इसे लॉगिन करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग इस तरह के कॉपीराइट सॉन्ग बिल्कुल भी यूज मत करें, क्योंकि उसके बाद आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, डेटाबेस से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। जब आप स्नैपचैट को कॉन्टेक्ट करेंगे तभी वो बताएंगे कि आपका अकाउंट क्यों रिमूव हुआ है। इसके अलावा आपके पास किसी तरह की कोई ईमेल नहीं आएगी। तो फिर अभी मैं लास्ट वीडियो है मेरी इस टॉपिक पर, मेक श्योर कि आप स्पॉटलाइट के ही सॉन्ग यूज करें। सोनल को क्रिस्टल भी मिले थे, उन्होंने सब कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करके उसके बाद कैश आउट भी कर लिया था लास्ट वीक में। इसकी वजह से उनको अमाउंट तो मिल गई लेकिन उनका अकाउंट चला गया। उन्होंने अभी स्टार्ट लिया था, 14,000 के करीब उनके सब्सक्राइबर थे। सो आप लोगों के लिए ये वीडियो रिमाइंडर है, जब भी सॉन्ग यूज करें स्पॉटलाइट से लेकर ही करें, क्योंकि जब भी आपका जितना भी पुराना अकाउंट होगा क्रिस्टल उसके अंदर ही होंगे, आपने निकाले नहीं होंगे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। उसके अंदर जितनी भी आपकी मेमोरी होगी आप उसको दोबारा से रिसीव नहीं कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।